फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होप टॉक और मनोज दे पोस्ट कार्ड के बारे में। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो फ्रेंड हम दोनों चैनल के बारे में बात करेंगे। ये दोनों चैनल जो है, इस पे फ्रेंड उन लोगों को लाया जाता है, मतलब उन लोगों की स्टोरी इस पे शेयर किया जाता है। जैसे जो लोग सक्सेस नहीं हो रहे हैं, उन लोगों को ये अपने चैनल पे लाते हैं और उनकी स्टोरी को शेयर करते हैं और उनको इस चैनल से प्रमोट करते हैं, ताकि वो अपने चैनल पे ग्रो कर पाएँ। और उनको इस तरह से प्रमोट किया जाता है इस चैनल पर ला के। तो फ्रेंड आज हम इस दोनों चैनल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें फ्रेंड, मेरा नाम है इमरान अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं टेक्निकल इमरान जी। फ्रेंड आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे क्या होगा, इस तरह की नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी और हम आपको इस तरह की नई नई जानकारी देते रहते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता है, आज हम बात करने वाले हैं होप टॉक और मनोज दे पोस्ट कार्ड के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे इनके चैनल को, हम आपको दिखाना चाहेंगे, तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये चैनल होप टॉक चैनल है और इसके जो मालिक हैं, इसके जो ओनर हैं, वो अंशु मौर्य जी हैं और उनके चैनल का नाम है, उनका जो मेन चैनल है उसका नाम है द चैम्पियन सपोर्ट। और फ्रेंड उनका ये चैनल है और इस चैनल पे वो उन लोगों को लाते हैं जो मतलब अपने यूट्यूब चैनल पे सक्सेस नहीं हो रहे हैं, सालों सालों से काम करते हैं और अपने चैनल पे सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो उनको ये अपने इस चैनल पे लाते हैं और इस चैनल पे लाके उनको प्रमोट करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। तो फ्रेंड अब हम इनके चैनल के पे दिखा दे रहे हैं आपको, आप देख सकते हैं। इस पे सब्सक्राइबर की जब बात करें तो सब्सक्राइबर 17,900 सब्सक्राइबर हैं और इस पे वीडियो कितना अपलोड है, 19 वीडियो अपलोड हो चुका है अभी तक, मतलब इन्होंने 19 वीडियो अपलोड किया है। और इसके बाद फ्रेंड हम बात करने वाले हैं मनोज दे पोस्ट कार्ड के बारे में। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये मनोज दे पोस्ट कार्ड चैनल है और इस पे 36,600 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और इसमें अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं है, इन्होंने कोई वीडियो अभी तक अपलोड नहीं किया है। और इनका कहना है जब तक 50,000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते हैं तब तक ये अपने चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। तो फ्रेंड अब हम आपको बता दें कि ये दोनों चैनल में मतलब क्या फ़र्क है, दोनों में मतलब क्या डिफरेंस है, तो आज हम इस पे बात करने वाले थे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, होप टॉक जो चैनल है अंशु मौर्य जी का, जिनका चैनल आप जानते होंगे द चैम्पियन सपोर्ट है, तो उनके इस चैनल पे मतलब उन लोगों को लाया जाता है जो मतलब सक्सेस नहीं हो रहे हैं, अपने चैनल पे बहुत सालों सालों से काम करते हैं और सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो उन लोगों को ये अपने चैनल पे लेके आते हैं और उनको इस चैनल के माध्यम से उनको प्रमोट करते हैं और वो उनको सक्सेस भी मिलता है। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको अंशु मौर्य जी ने सक्सेस भी दिलाया है, ये मैं देख चुका हूँ फ्रेंड, इनकी वीडियो में देखते रहता हूँ, मनोज दे की भी वीडियो देखता हूँ। बट क्या है कि अंशु मौर्य में और मनोज दे में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ्रेंड अंशु मौर्य जो हैं, जिनका चैम्पियन सपोर्ट चैनल है, इनको देखा है मैंने, ये जो है ये मतलब छोटे छोटे यूट्यूबर को टारगेट करते हैं और उनके घर भी जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर जा चुके हैं, घर पे जाते हैं और उनके बारे में जानते हैं, उनको बारे में जानने के बाद अपने चैनल पे भी उनको लाते हैं और अपने चैनल के माध्यम से उनको प्रमोट भी करते हैं। तो फ्रेंड इन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रमोट भी किया है, अभी हाल ही में, अभी मतलब जल्दी की बात है, उन्होंने एक चैनल को प्रमोट किया है जिसका नाम है टेक ऐश्वर्या। तो उस चैनल पे फ्रेंड अच्छे खासे व्यूज़ आने लगे हैं और वो अपने चैनल से अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगी हैं। तो फ्रेंड इनका ये है काम कि मतलब ये छोटे छोटे यूट्यूबर जो हम जैसे यूट्यूबर हैं उनको ये प्रमोट करते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे मनोज दे के बारे में। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, ये मनोज दे का चैनल है मनोज दे पोस्ट कार्ड, जिस पे 36,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और उनका ये कहना है कि जब तक इस पे 50,000 नहीं हो जाएगा तब तक इस चैनल पे कोई वीडियो नहीं आएगा। और इस पे किसकी वीडियो आएगी, जो मतलब सक्सेस रहेंगे, जो अपने यूट्यूब चैनल पे सक्सेस किए रहेंगे और यूट्यूब चैनल से अर्निंग करते होंगे, पैसे कमाते होंगे, उनको मतलब ये अपने चैनल पे लाएंगे। और अंशु मौर्य का क्या कहना है, ये अपने चैनल पे छोटे छोटे यूट्यूबर को लाएंगे जो सक्सेस नहीं हो रहे हैं, और मनोज दे का कहना है कि ये सक्सेस लोगों को लेके आएंगे। तो आपको फ़र्क तो दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड। और मनोज दे के बारे में हम दूसरी बात करते हैं, तो मनोज दे सक्सेस लोगों से मिलना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि अभी आप 2-3 महीने पहले देखे होंगे, ये सौरभ जोशी ब्लॉग से मिलने गए थे, सौरभ जोशी ब्लॉग से मिले थे, उसके बाद ये मतलब सक्सेस लोग, जैसे ये कच्चा बादाम आप जानते होंगे, कच्चा बादाम से भी मिल चुके हैं और साजिद करके एक लड़का है उससे भी ये मिल चुके हैं और डांसर सनातन से भी मिल चुके हैं और मतलब इस तरह के बहुत सारे सक्सेस जो यूट्यूबर हैं उनसे मनोज दे मिलते हैं। तो फ्रेंड मनोज दे में और अंशु मौर्य में यही फ़र्क है कि वो अंशु मौर्य जो हैं वो छोटे यूट्यूबर से मिलना ज़्यादा पसंद करते हैं और मनोज दे जो हैं ये बड़े यूट्यूबर से मिलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फ्रेंड मेरा वीडियो बनाने का मकसद बस यही है
कि मतलब हम ऐसे लोगों का सपोर्ट करें जिससे कि हमारा सपोर्ट हो, तो हमें ऐसे लोगों का ही सपोर्ट करना चाहिए जिससे कि हमारा सपोर्ट हो। अंशु मौर्या को आप जानते होंगे, वो छोटे छोटे यूट्यूबर को लेके चलते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं और उनको उनको हेल्प करते हैं, उनके उनका चैनल ग्रो करवाने में उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ऐसे लोगों का हमको सपोर्ट करना चाहिए। और बात करेंगे हम मनोज दे के बारे में, तो ये अब बहुत बड़े यूट्यूबर हो चुके हैं, इनके चैनल पे 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और अंशु मौर्या का जो चैम्पियन सपोर्ट है इस पे अभी 2 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं। तो फ्रेंड मेरा कहने का मतलब यही है कि हमको ऐसे लोगों का सपोर्ट करना चाहिए जो लोग हमारा सपोर्ट करें, हमको ऐसे यूट्यूबर का सपोर्ट करना है जो यूट्यूबर हमारा सपोर्ट करे। फ्रेंड हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जैसे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर तो वो तो पहले से सक्सेस हैं, लेकिन जो छोटे यूट्यूबर हैं जो सक्सेस नहीं हो रहे हैं और सालों से काम कर रहे हैं सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे यूट्यूबर को जो मतलब प्रमोट करता है, जो ऐसे यूट्यूबर का सपोर्ट करता है, तो हमको ऐसे यूट्यूबर का ही सपोर्ट करना चाहिए जिससे कि हमारा फ़ायदा हो ना कि हमारा नुकसान। तो फ्रेंड हमको ऐसे लोगों का ही साथ देना चाहिए। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप किसका सपोर्ट करना चाहते हैं। ये चीज़ आप हमको ज़रूर बताना कमेंट करके। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।